हेलो एवरीवन, इसमें हम लोग बात करेंगे अगर घुटनों के अंदर दर्द रहता है या घुटनों के जोड़ों में दर्द रहता है तो उसके लिए क्या क्या करेंगे। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी है, तो उसको फर्स्ट मैनेज करने की कोशिश करो, क्योंकि जो बॉडी का वेट है वही हम लोगों के घुटनों पे जाता है। अगर भारी भरकम बॉडी रहेगा तो ज़्यादा प्रेशर होगा घुटनों के ऊपर, इसकी वजह से ज़्यादा घुटने डैमेज होते हैं, ज़्यादा इनके ऊपर असर पड़ता है। फर्स्ट आप वेट मैनेज के लिए क्या क्या कर सकते हो, प्रॉपर अपना डाइट बनाओ, उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो फाइबर फूड ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ के साथ आपको ध्यान रखना है कोई फैटी फूड ना लो, जिसमें जंक फूड जैसे हो गया, कोई फास्ट फूड को अवॉइड करो जितना ज़्यादा हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करो बिकॉज उनके अंदर भी कैपेसिटी होती है फैट को इंक्रीज करने की। अगर कोई अल्कोहलिज्म है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, तो उसको अवॉइड करो बिकॉज वो डायरेक्ट हम लोगों के लीवर पे अफेक्ट करते हैं। अगर लीवर के ऊपर अफेक्ट आएगा तो लीवर का काम होता है फैट को मेटाबोलाइज करना, फिर वो कर नहीं पाएगा। तो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, अपनी डाइट को कंट्रोल कर, डाइट को मेंटेन करना है। सेकंड, आपको अगर ओबेस हो तो वेट लॉस करेंगे। थर्ड, अगर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हो तो उसको मैनेज करेंगे, उसको कम करेंगे उसकी इंटेंसिटी को, ताकि हम लोगों का वेट कम हो जाए। अगर वेट कम होगा तो ऑटोमेटिकली घुटनों के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है वो भी कम होगा। अभी वेट कम करने के लिए सेकंड हम लोग क्या रख सकते हैं, एक्सरसाइज। मॉर्निंग में जैसे 20 मिनट्स का एक्सरसाइज किया, 20 मिनट्स का आफ्टरनून में किया, 20 मिनट्स का हम लोगों ने इवनिंग में किया, तीनों टाइम हम लोग नॉर्मल वॉकिंग कर रहे हैं। या कुछ एक्सरसाइजेज अभी बताएंगे आपको क्या क्या एक्सरसाइजेज करनी है घुटनों के लिए, ये आप नॉर्मली घर पे भी कर सकते हो, बेड पे भी कर सकते हो। घुटनों का अगर दर्द है तो क्या क्या एक्सरसाइज करोगे, सिंपली आपको फर्स्ट एक्सरसाइज क्या करना है, सिंपली आप बैठ के भी कर सकते हो, लेट के भी। दिस वन, अपने पंजों को चलाना है आगे पीछे, पंजों को मूव करो। घुटनों का अगर दर्द है तो सिंपली दिस 10 से 20 बार आप ये मूवमेंट कर सकते हो। सेकंड वन थिंग, अपने पैर को एडी को स्लाइड करते हुए नीचे से ऊपर लेके आओ। दिस वन सिमिलरली दूसरे पैर का करो यही चीज। तीसरा क्या कर सकते हो, अपने पूरे पैर को ऊपर उठाओ और इसको एक जगह पे होल्ड करके रखो। तीसरा ये चीज, इसको 10 सेकंड का होल्ड, देन रिलैक्स। सिमिलरली दूसरे पैर का 10 सेकंड होल्ड, देन रिलैक्स, ये चीज कर सकते हो। फिर थर्ड वन, आप जैसे सिटिंग में आओगे बैठने पर, इसको अपने हाथों से टच करने का कोशिश करोगे, 10 सेकंड का होल्ड, देन रिलैक्स, फिर से 10 सेकंड का होल्ड, देन रिलैक्स। ये एक्टिविटी भी आपको 5 to 7 times रिपीट करनी है। फिर उसके बाद एक टावल रोल ले लो, ये बहुत असेंशियल है, इससे हम लोगों का बोन डेंसिटी भी बढ़ता है। तो हम लोगों को आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करना है, टावल रोल लेके उसको घुटनों के नीचे रखना है, फिर इसको घुटने से प्रेस करना है, 10 सेकंड का होल्ड, देन रिलैक्स, फिर से 10 सेकंड होल्ड, देन रिलैक्स। सिमिलरली फिर इसको हम लोग अपनी एडी के नीचे रखेंगे, फिर इसको इससे प्रेस करेंगे, 10 सेकंड का होल्ड, देन रिलैक्स, फिर से 10 सेकंड का होल्ड, देन रिलैक्स। सिमिलरली अभी लेटे हुए क्या करना है, दोनों पैरों को मोड़ के रखना है और इनके बीच में जो है टावल रोल देना है और इसको प्रेस करना है, इसके ऊपर फोर्स लगानी है, इसको दबा के रखेंगे 10 सेकंड, देन रिलैक्स, फिर से 10 सेकंड दबा के रखेंगे, देन रिलैक्स, फिर से, देन रिलैक्स। और आप क्या कर सकते हो, अभी जो भी दुपट्टा है उसको लीजिए, दोनों पैर स्ट्रेट करिए। सेकंड वन, अपने पैर में दुपट्टे को ऐसे लगाओ और इसको बिल्कुल आराम आराम से ऊपर लेके आना है, जितना आपको कंफर्टेबल हो, फिर उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करनी है, 10 सेकंड का होल्ड, देन रिलैक्स, बिल्कुल आराम आराम से नीचे लेके जाएंगे, बिल्कुल कंफर्टेबली। सिमिलरली दूसरे पैर के साथ भी यही करना है, आराम आराम से ऊपर लेके आएंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, जितना आपको कंफर्टेबल रहता है उसके थोड़ा सा बियॉन्ड जाएंगे, थोड़ा सा आगे, जितना आपको आराम लगता है उससे थोड़ा सा आगे, जहाँ पे आपको अच्छे से खिंचाव महसूस हो इस जगह पे, फिर आराम आराम से रिलैक्स करेंगे। थर्ड वन,
अब ये सारी एक्सरसाइज हो गई है घुटनों के लिए, अगर ये हम लोग रेगुलरली फॉलो करते हैं तो इनसे बहुत ज़्यादा आराम भी आएगा, और अगर आपको घुटनों में ज़्यादा दिक्कत है तो उसके लिए आप अखरोट भी खा सकते हो, उससे भी घुटनों में जल्दी आराम मिलता है। थैंक यू।